ओके okay, तो ये मेरे चैनल की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग होने वाली है इन पैकेजेस के अंदर जो प्रोडक्ट है ना वो मेरा ड्रीम प्रोडक्ट है और जब से मैंने अपने घर के अंदर ये यूट्यूब स्टूडियो क्रिएट करा है तब से मेरा मन था कि यार मेरे स्टूडियो के अंदर ना ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए अनबॉक्सिंग करने के लिए लिटरली आज मुझे औजारों की ज़रूरत पड़ने वाली है एक पेयर ऑफ सीजेस ले लिया मैंने एक कटर भी ले लिया और ये आरी का ब्लेड नहीं होता ये भी ले लिया मैंने इतना मोटा इतना थिक पैकेज है ऊपर से इतना बड़ा भी है हो सकता है इसकी नीड पड़ जाए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं हम चलो सबसे पहले तो आप लोग नाम पढ़ लो जिन ऑफिस ये कंपनी क्या है ब्रांड क्या है ये सब चीजें आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा पहले इसको अनबॉक्स करते हैं बबल रैप की दो दो लेयर दें उसके बाद इतना सॉलिड पैकेज है सबसे पहली चीज जो आपको देखेगी वो है ये मैनुअल

के बाद सेलोफेन की भी एक लेयर चढ़ा रखी है ये देखो गत्ते भी दो-दो लगा रखे हैं भाई बहुत सही अंदर भी फोम से प्रोटेक्ट कर रखा है पूरा देखो सारी एजेस पे फोम लगा रखी है नाइस मुझे पता है दिस इज नॉट द राइट वे ये मैंने बीस्ट मोड ऑन कर लिया है अपना बट मुझसे वेट नहीं हो रहा भाई इसको देखने के लिए वो भाई बहुत अमेजिंग फिनिशिंग है यार ये नहीं रहा है भाई। Seriously, कोई और ही material लग ही रहा वुड है acrylic kind of material लग रहा है ये कि सॉलिड तो है ही और जो स्मूथनेस है जो है है भाई 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 यार मज़ा ही आ गया ओ भाई, बहुत heavy है ये ओ है। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल्स है ना वो पूरे के पूरे से हल्के हैं भाई ओके okay, तो अब बात कर लेते हैं कि जिन ऑफिस जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग देखी आप लोगों ने इन पैकेजेस के ऊपर एक सेकंड हाँ ये रही। तो ये वाली जो ब्रांडिंग आप लोगों ने देखी इन पैकेजेस के ऊपर जिन ऑफिस क्या है तो जिन ऑफिस सॉल्यूशंस बेसिकली मुंबई बेस्ड एक ब्रांड है कंपनी है जो कि जैसा कि इनका नाम है जिन ऑफिस सॉल्यूशंस ये ऑफिस रिलेटेड सप्लाईज में डील करते हैं प्राइमरीली हाइड एडजस्टेबल डेस्क होते हैं इनके पास इनके पास मॉनिटर आर्म्स होती है मॉनिटर स्टैंड होते हैं लैपटॉप राइजर होते हैं आपके ऑफिस को एक ईजी टू वर्क प्लेस बनाने के लिए जो जो चीजें आप लोगों को नीडेड होती है वो सारी इनके पास होती है इनकी जो प्रॉपर कैटेलॉग है चीजों की वो आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिख रही है

ठीक नीचे तो फटाफट से मैं इस पूरे डेस्क को असेंबल कर लेता हूं जिसका टाइम लैप्स आप लोगों को दिखा दूंगा तो so जो फ्रेम था वो तो मैंने असेंबल कर दिया है एंड इसके ऊपर अब सिर्फ ये रखना बाकी है टेबल टॉप तो यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है यहाँ पर कंट्रोलर है इसका जो कि टेबल टॉप के ऊपर ही लग जाएगा जाएगा ड्रिल हो एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो कि दो बटन है अप एंड डाउन के तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अप वाला बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ एंड आप देख सकते हो कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर उठ रहा है तो ये इसका प्लेटफॉर्म है एक तरह से इसके ऊपर ही टेबल टॉप आएगा जो, जो हाइट एडजस्टिंग वाला कंट्रोलर है इसको वॉल के साथ लगा दूंगा तो मैं डेस्क के दूसरी तरफ होगा और उसी हिसाब से मैं कंट्रोलर भी लगा लूंगा और उसकी वायर अच्छी खासी लंबी है कि मैं जहां भी चाहूं अपने हिसाब से उसको प्लेस कर सकता हूं खैर ये सारी चीजें तो आप किसी भी डेस्क के ऊपर कर सकते हो राइट अब करते हैं मैजिकल चीज पीस ऑफ केक तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से इस सिंगल मोटर ने इस पूरे के पूरे भार को उठा लिया है एंड इसके लिए ये बिल्कुल भी दम लगाने वाला काम नहीं था मतलब इसको कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा सो so, अब मैं आप लोगों को इस एग्जैक्ट टेबल का ये जो मेरे पास टेबल है उसका मॉडल नंबर बता देता हूँ एंड इसका मॉडल नंबर है एस जीरो जो इसका प्राइस है वो है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इंक्लूडिंग द टेबल टॉप एंड बिलीव मी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने इस क्वालिटी के सिर्फ फ्रेम फ्रेम जो होते हैं सिर्फ फ्रेम विदाउट टेबल टॉप ही इतने महंगे बिकते हुए देखे हैं एंड मेरी हिसाब से जेन ऑफिस के थ्रू अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो ये आपको चीपेस्ट पड़ने वाला है तो आप इससे भी सस्ते प्रोडक्ट ले सकते हो इनकी वेबसाइट पर आप लोगों को और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे की मैनुअली एडजस्टिंग टेबल भी आप लोगों को मिल जाएगा जो एक लेवर के थ्रू आप घुमा कर सकते हो आपको पता है मेरे पास एक गेमिंग चेयर भी है

इस डेस्क ने मेरे पूरे वर्क फ्लो को इतना इम्प्रूव इतना चेंज कर दिया है अपनी वीडियो बनाने के बाद ऐसे और भी डेस्क की वीडियो देखी यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर तो मैंने ये नोटिस किया कि उसके अंदर काफी सारे लोग जो हैं वो ना वॉबल और शेक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं खासकर एक्सट्रीम हाइट्स पर तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा ये भी मैंने अपनी स्टैंड हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रखा है मैं इसको पूरी हाइट तक लेकर जाता हूँ एंड उसके बाद हम इसको शेक करने की कोशिश करेंगे एंड सी दिस मतलब ये अगर कोई भी और टेबल होता तो इतना शेक तो होता ही बट जो मैंने और वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर इतनी हाइट पर लिटरली में, हिंदी में बोलते हैं नाच जाती है चीज तो वो टेबल्स नाच रहे थे बट इसमें इतनी मेरे को स्टेबिलिटी मिल रही है इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है मुझे इसको यूज कर दे टाइम एक और चीज आप देख सकते हो कि मैंने ये जो कॉलर माई गई अपने कॉलर से हटा के हाथ में पकड़ लिया क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी मोटर की आवाज सुनाना चाहता हूँ या फिर मैं ये कहूँ की कितनी कम आवाज करती है ये सुनाना चाहता हूँ तो सुना आप लोगों ने ये इसकी मोटर की आवाज है डे वन से यानी कि जब मैंने इसके ऊपर ना ही टेबल टॉप रखा था ना ही कंप्यूटर सेटअप किया था तब भी जब मोटर ऊपर नीचे हो रही थी तो इतनी ही आवाज़ कर रही थी और ये सारा का सारा भार इसके ऊपर डालने के बाद भी मोटर इतनी ही आवाज कर रही है मतलब कि ऐसा नहीं है कि मोटर को अलग से कोई पावर लगानी पड़ रही है या फिर दम लगाना पड़ रहा है और उसकी वजह से आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा आवाज़ सुननी पड़ेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मोटर वाकई में बहुत साइलेंट है एंड मैंने सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था तो अगेन कूडोज टू जेन ऑफिस सोल्यूशन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया इस वीडियो के लिए इन्हीं के साथ कोलेबोरेट करने का जो मैंने डिसीजन लिया सो दैट मुझे भी

चेक आउट करना जेन ऑफिस सोल्यूशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा तो स्टेट ट्यून सब्सक्राइब कर लो चैनल को मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए